की बोली कान्हा बोले। क्या बात है? की बोली कान्हा बोले, की बोली कान्हा बोले, गलत काम कैसे हो गया। क्या बात है? की बोली कान्हा बोले, ये गलत काम कैसे हो गया। और बिना शादी किए राधे श्याम कैसे हो गया। कि बिना शादी किए राधे श्याम कैसे हो गया। पूछोगे सवाल को एक बार हाथ पूरे पूरे उठाइए, बिल्कुल सीधे रहे, थोलों में से हाथ निकाल लीजिए। ये थोड़ी देर बात है, वैसे और सुनिएगा क्या कहने लगे हैं। कि बोल का ना बोल, अरे बोल, हाँ बोल, बोल का ना बोल, गलत काम कैसे हो गया। बोल का ना बोल, गलत काम कैसे हो गया। और बिना शादी किए राधे श्याम कैसे हो गया। वो बिना शादी किए राधे श्याम कैसे हो गया। और बिना शादी किए राधे श्याम कैसे हो गया। और बिना शादी किए राधे श्याम कैसे हो और ये 16108 कैसे बनी, कैसे हुई? एक भौमासुर नाम का राक्षस था। वैसे सुनेगा, वैसे ये काम इनका है, लेकिन आज मैं थोड़ा सुना रही हूँ। भौमासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने एक नगर की सारी नगर की कन्याओं को अपने कारागार में बंदी बना लिया। कारागार में बंदी बना लिया तो सभी गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, उस कन्हैया को याद किया और कहा कि हे देवकी नंदन, हमारी रक्षा कीजिए और हमें इस भौमासुर के कारागार से मुक्त कराइए। तो कन्हैया खुद बड़े दीन दयालु हैं, उन गोपिकाओं की पुकार सुनी और उन्हें भौमासुर के कारागार से मुक्त कराया। उसी समय सारी कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया, मान लिया। ऐसे ही 16108 रानियां। अब सुनेगा फिर भी कन्हैया किसके दीवाने हैं। कि रानी पति रानी सब हाजरी बजाओ में, रानी पति रानी सब हाजरी बजाओ में, रानी पति रानी सब हाजरी बजाओ में, रानी पति रानी सब हाजरी बजाओ में। राधे रानी तो पे हुक्म चलावे, अरे राधे रानी तो पे हुक्म चलावे, राधे रानी तो पे हुक्म चलावे। अरे झूठा सारा पेट, झूठा सारा पेट, ये झूठा सारा पेट और पुराण कैसे हो गया। झूठा सारा पेट और पुराण कैसे हो गया। बिना शादी किए राधे श्याम कैसे हो गया। बिना शादी किए राधे श्याम कैसे हो गया। Thank you.
क्या आपने कभी उनको किसी को देखा है कन्हैया जी के साथ में? नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? इस बात में बड़ा राज है, वो राज क्या है सुनेगा। कि रानी पत्नी रानी कि तस्वीर पत्नियों की कोने में पड़ी है, पत्नियों की कोने में पड़ी है, तस्वीर पत्नियों की कोने में पड़ी है, तस्वीर पत्नियों की कोने में पड़ी है। बगल में खड़ी है, और कितने भी मंदिर राधे बगल में खड़ी है, जितने भी मंदिर राधे बगल में खड़ी है, किस किसने देखा है मेरे कन्हैया और राधे रानी को एक साथ में? जिसने भी देखा है एक बार बजा के दोनों ताली, एक दो तीन चार। अरे भोली का नर राधे का गुलाम कैसे खो गया, गुलाम कैसे हो गया, बोल समावर दीवाना कैसे हो गया, और मेरा आजादी की ये राधे श्याम कैसे हो गया, मेरा आजादी की ये राधे श्याम कैसे हो गया। करना कोई प्रेम नहीं होता, प्रेम होता है एक बाप बेटी से जो करता है, इतना प्रेम होता है बाप बेटी के बीच में, फिर भी बेटी अपने बाप का घर छोड़ करके जाती है, उसके दिल से पूछो कि क्या बीतती है। प्रेम होता है एक भाई का बहन के साथ में, और प्रेम होता है सभी भक्तों का जो सारा काम धंधा छोड़ के हम इसके दरबार में आके बैठते हैं, घर की कोई फिक्र नहीं, चाहे बेशक रात को चोरी हो जाए, होती है तो ये होता है प्रेम। लेकिन जिसने प्रेम किया है सच्ची लगन किसी भक्त को देख लिए, ये नौकरियां हम नाची ना है, साथ मिलते हमें नचा दे थोड़ी सी, यही मान लो आपकी फरमाइश से पूरी तो ये जरूर होगी। अच्छा सुनेगा कि जिसने भी प्रेम किया वो ही बदनाम है, जिसने भी प्रेम किया वो ही बदनाम है, जिसने भी प्रेम किया वो ही बदनाम है, जिसने भी प्रेम किया वो भी बदनाम है। प्रेम किया है मेरे कन्हैया ने राधे रानी से, अगर राधे रानी को कन्हैया जी के साथ में खड़ा कर दिया जाए तो शोभा दोगुनी हो जाती है, और अलग कर दिया जाए तो ये मोहब्बत के प्रेमिका के साथ, प्रेमिका के साथ तेरी जान बुना जान है, प्रेमिका के साथ तेरी जान बुना जान, अरे प्रेमिका के साथ तेरी जान बुना जान है, प्रेमिका के साथ तेरी यही तो पहचान है। इसलिए मैंने अपने आप को सुकाना के चरणों में समर्पित कर दिया है, क्योंकि इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, आपके पास है तो आप दे दीजिए, वरना उठा के पूरे पूरे हाथ अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। आइए लास्ट कली है भजन की, उठाइए पूरे पूरे हाथ दोनों सीधे सीधे, और भी